हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरआरडी गारमेंट टेक्नीशियन। आज हम बनाएंगे मेंस जींस पैन, हर एक पैटर्न बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए है जो मैन्युअली या कैड में पैटर्न बनाना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मेजरमेंट देखेंगे, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेंगे। टोटल साइड लेंथ विथ वेस्ट पट्टी 41.5 इंच, इनसीम 31.5, वेस्ट पट्टी हाइट 1.5 इंच, फ्रंट राइज विदाउट वेस्ट पट्टी 9 इंच, बैक राइज विदाउट वेस्ट पट्टी 13 इंच, वेस्ट 34 इंच, टोटल हिप 39, थाई 24, नी 16 इंच, बॉटम हेम 12.5 इंच, बैक योक हाइट फ्रॉम राइज 2.5 इंच, बैक योक हाइट फ्रॉम साइड सीम 1 इंच, फ्लाई ओपनिंग 6 इंच, फ्रंट इनर पॉकेट बैक लेंथ 10.5 इंच, फ्रंट पॉकेट ओपनिंग विथ 5 इंच, बैक पॉकेट हाइट 7 इंच, बैक पॉकेट विथ 6 इंच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। लंबाई लेंगे 40 इंच, 1.5 इंच माइनस किया है इसमें से, और विड्थ लेंगे 9 इंच जो कि फ्रंट हिप का है। फ्रंट हिप एंड बैक हिप में डिफरेंस 1.5 इंच का रखेंगे। टोटल हिप 39 है, उससे दो भाग में डिवाइड करेंगे 19.5, 1.5 इंच माइनस करेंगे 18 इंच। जब हम फ्रंट बनाएंगे तब 9 इंच लेंगे, जब बैक बनाएंगे उसमें 1.5 इंच प्लस करके 10.5 इंच लेंगे। हिप लाइन का ड्रॉ करेंगे वेस्ट से 5.5 इंच पर, और थाई का प्लेसमेंट 8.5 इंच रहेगा वेस्ट से। एंड नी का प्लेसमेंट 20.5 इंच रहेगा। नेक्स्ट अभी हम साइड सीम का ड्रॉ करेंगे, 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे एंड नी में 1.25 पर एक मार्क करेंगे, और वेस्ट में 0.25 इंच बाहर की तरफ एक मार्क करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटम टू नी एंड नी टू वेस्ट, इससे हल्का सा शेप देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट का पैटर्न बना रहे हैं। 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। उससे पहले मैं फ्रंट और बैक का डिस्टेंस बता दूं। फ्रंट और बॉटम और बैक बॉटम में 1.5 इंच का डिफरेंस रहेगा। टोटल बॉटम 12.5 इंच है, उसमें से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे 11 इंच, उसे दो भाग में डिवाइड करेंगे। फ्रंट जब बनाएंगे उसे 5.5 लेंगे, जब बैक बनाएंगे उसमें 1.5 इंच प्लस करके 7 इंच लेंगे। साढ़े 5 इंच पर एक मार्क कर दिया। नेक्स्ट अभी नी का मार्क करेंगे। नी का 7.25 पर मार्क करेंगे। टोटल नी 16 इंच है। फ्रंट और बैक का डिस्टेंस है नी का 1.5 इंच, 16 इंच है, उसमें से 1.5 इंच माइनस करेंगे 14.5, उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। जब फ्रंट बनाएंगे हम 7.25 लेंगे, जब बैक बनाएंगे उसमें 1.5 इंच प्लस करके 8.75 लेंगे। नेक्स्ट अभी हम थाई का मार्क करेंगे। थाई हमारा 24 इंच है। थाई का बैक और फ्रंट का डिफरेंस 3 इंच का रहेगा। 24 है, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे 21, उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। जब हम फ्रंट बनाएंगे 10.5 इंच लेंगे, जब बैक बनाएंगे उसमें 3 इंच प्लस करके 13.5 इंच लेंगे। अभी फ्रंट का इनसीम का ड्रॉन करेंगे।
इनसीम का ड्रॉ हो चुका है, अभी इसे शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम वेस्ट का मार्क करेंगे, 8.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। वेस्ट 34 है, उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 8.5 इंच, 8.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे हल्का सा शेप देते हैं। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट राइज का ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे थाई टू वेस्ट। फ्रंट राइज हमारा 9 इंच है विदाउट वेस्ट बैंड, इससे शेप देंगे। इसका मेजर चेक करेंगे, देख सकते हैं 9 इंच है। इससे एक बार चेक करेंगे, फ्रंट का पैटर्न ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम बैक का पैटर्न ड्रॉ करेंगे, 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, क्योंकि डिफरेंट हमारा बैक और फ्रंट का 1.5 इंच है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। नी में हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और थाई में हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। फ्रंट और बैक का मैंने बताया था 3 इंच डिफरेंस से। देख सकते हैं 13.5 इंच है। अभी हम बैक इनसिम का ड्रॉ करेंगे, इसे शेप देंगे थोड़ा। बैक का इनसिम रेडी हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम बैक वेस्ट का ड्रॉ करेंगे, .5 बाहर की तरफ निकालेंगे। बैक का आउट सिम का ड्रॉ करेंगे हम, बैक का आउट सिम का ड्रॉ हो चुका है, इससे भी थोड़ा सा शेप देंगे। नेक्स्ट अभी वेस्ट का मार्क करेंगे, वेस्ट का 8.5 इंच है, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे और ऊपर की तरफ 2.25 लेंगे। मार्क हो चुका है, अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अभी हम बैक राइज का ड्रॉ करेंगे, थाई टू वेस्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे शेप देंगे। .5 नीचे की तरफ उतारेंगे हम। बैक राइज विदाउट वेस्ट बैंड 13 इंच है, इसका मेजर चेक करेंगे, देख सकते हैं 13 इंच है ये।
फ्रंट एंड बैक का पैटर्न ड्रा हो चुका है, अननेसेसरी लाइन डिलीट करेंगे। बैक और फ्रंट का पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, नेक्स्ट अभी हम बैक योक, फ्रंट पॉकेट और बैक पॉकेट का पैटर्न बनाएंगे। सभी पैटर्न इसी के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट उससे कंफ्यूजिंग होगा, तो हम सबसे पहले बैक और फ्रंट को पैटर्न को सेपरेट करेंगे, उसी के बाद बाकी का पैटर्न बनाएंगे। चलिए सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट को सेपरेट करेंगे। बैक का पैटर्न सेपरेट हो चुका है, नेक्स्ट अभी हम बैक योक का पैटर्न क्रिएट करेंगे। हाफ इंच हम ऊपर की तरफ प्लस करेंगे। बैक योक हाइट राइज से 1.5 इंच रहेगा और साइड से 1 इंच रहेगा। 1.5 इंच पर एक ड्रॉ करेंगे, वहाँ से एक लाइन खींचेंगे, साइड सीम में 1 इंच में कनेक्ट करेंगे, इसे शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम 1/2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम बैक योक को सेपरेट करेंगे बैक से एंड उसके बाद सीम ऐड करेंगे। बैक योक का पैटर्न सेपरेट हो चुका है एंड हमने जो 1/2 इंच प्लस किया था उसे कट करके डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम सीम ऐड करेंगे, 0.4 ऐड करेंगे बिकॉज हम इंच पर वर्क कर रहे हैं। एंड बैग में हम सीम ऐड करेंगे 0.4। और इन सीम में एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, टोटल 7 रखेंगे, 0.7, बिकॉज ये स्पेशल मशीन के लिए जो डबल स्टिच लगता है। नेक्स्ट अभी हम बैक पॉकेट का पैटर्न क्रिएट करेंगे। मिड पॉइंट पर एक मार्क करेंगे एंड नीचे की तरफ मिड पॉइंट से 1.25 पर एक मार्क करेंगे। सबसे पहले हम पॉकेट विड्थ का ड्रॉ करेंगे।
पॉकेट विड्थ 6 इंच है, 3 इंच दोनों तरफ लेंगे और पॉकेट की जो लंबाई है वो 7 इंच रहेगा। सात इंच रखेंगे एंड साइड में 6 इंच रहेगा और अंदर की तरफ हाफ इंच लेंगे। सेम दूसरी साइड में वही करना है, 6 इंच लंबाई में लेना है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। नेक्स्ट अभी हम पॉकेट को रोटेट करेंगे, उससे पहले हमें इस लाइन को डिलीट करना पड़ेगा। पॉइंट फाइव रोटेट किया है हमने, जो लाइन हमने डिलीट किया है फिर से उसे ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा बैक पॉकेट बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट को सीम ऐड करेंगे, 0.4 चारों तरफ लेंगे और बॉटम में हम 1.5 इंच रखेंगे। बॉटम में एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ होता है और बैक में भी हम करेंगे। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट ओपनिंग का ड्रॉ करेंगे। फ्रंट ओपनिंग विथ 5 इंच है और साइड से 2.5 इंच है, 5 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साइड सीम में 2.5 इंच में कनेक्ट करेंगे। इसे राउंड शेप देंगे। फ्रंट ओपनिंग का ड्रॉ हो चुका है, ये कट होगा बट अभी हम कट नहीं करेंगे, उससे पहले हम कॉइन पॉकेट, इनसाइड फेसिंग, फ्रंट बैक पॉकेट का ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हम कट करेंगे। अभी 1 इंच का इंसर्ट फेसिंग पट्टी का ड्रॉ करेंगे। एंड इसके बाद हम फ्रंट बैक पॉकेट का ड्रॉ करेंगे। एक इंच बाहर की तरफ हम एक मार्क करेंगे। अभी एक स्ट्रेट लाइन लेंगे 10.5 इंच का, जो पॉकेट की लंबाई 10.5 इंच है और साइड से 9 इंच है, साइड में हम 9 इंच पर एक मार्क करेंगे। पॉकेट आप फ्रंट का अलग से भी आप बना सकते हो बट मैं इसके अंदर बना के दिखा रहा हूँ आपको। इसे राउंड शेप देंगे। वन साइड का हमारा बैक पॉकेट बन चुका है।
और हमारा दूसरी साइड कट रहेगा अभी इसे हम कॉपी करेंगे एंड एक इंच का जो फेसिंग पट्टी है उसे हम अलग करेंगे कॉपी हो चुका है अब इस फ्रंट पर हम वर्क करेंगे सबसे पहले हम फेसिंग पट्टी को अलग करेंगे और उससे पहले हम पॉकेट को अलग कर लेते हैं वन साइड का पॉकेट हमारा एक साइड का अलग हो चुका है से कट करेंगे एक इंच का हमारा कट हुआ नहीं है हमें बैक जाना पड़ेगा बैक जाएंगे फिर से बैक जाएंगे इसे डिलीट करेंगे एक इंच का फेसिंग पट्टी बन चुका है अब इस फ्रंट के हमें नीड नहीं है इससे हमें डिलीट कर देंगे बैक जाएंगे फिर हाँ अभी हमको कॉइन पॉकेट बनाना पड़ेगा तो उससे पहले हमें बैग जाना पड़ेगा फिर से बैग जाएंगे तो सबसे पहले हम कॉइन पॉकेट बना लेते हैं कॉइन पॉकेट हमने नहीं बनाया है एक इंच साइड के तरफ लेंगे हम कॉइन पॉकेट का जो विड्थ है 3 इंच रहेगा भाई हमारा 3.5 इंच रहेगा क्योंकि 2.5 इंच हमारा ओपनिंग है और 1 इंच का हमने फेसिंग पट्टी लिया है तो लंबाई हमारा 3.5 इंच रहेगा और एक फ्रंट कॉपी करेंगे हम इसे डिलीट करेंगे अभी हम दूसरे साइड का पॉकेट फ्रंट बैक का पैटर्न सेपरेट करेंगे अब इसे फ्लिप करने के बाद पॉकेट को जॉइन करेंगे उससे पहले हम डिलीट करेंगे और ये फ्रंट हमारा ओके है लास्ट टाइम हमने बात किया था यहाँ से कट होगा पॉकेट को ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे हम और मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉकेट का पैटर्न हमारा डन हो चुका है अभी हम और एक फ्रंट फेसिंग पैटर्न का पैटर्न क्रिएट करेंगे
एंड कॉइन पॉकेट का भी पैटर्न सेपरेट करेंगे। यहाँ से कट करेंगे हम, अब इस फ्रंट की हमें नीड नहीं, इसे डिलीट करेंगे और इसे कॉपी करेंगे। कट करेंगे, यहाँ से भी कट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट करेंगे। देखिए हमारा फ्रंट कॉर्न पॉकेट बन चुका है और इनसाइड का भी फेसिंग बन चुका है जो फ्रंट ओपनिंग के अंदर लगेगा। अभी हम फ्लाई ओपनिंग का पैटर्न क्रिएट करेंगे। फ्लाई की लंबाई 6 इंच है और विड्थ 1.5 इंच है, तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम। लंबाई 6 इंच लेंगे और विड्थ 1.5 इंच रखेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 22 लाइन। अभी इसे हम शेप देंगे। फ्लाई का पैटर्न बन चुका है, इसे सेपरेट करेंगे। इसे सीम ऐड करेंगे 0.4। फ्लाई का ऑलमोस्ट पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम डबल फोल्ड फ्लाई का पैटर्न बनाएंगे राइट साइड का। लंबाई लेंगे 7 इंच, हमारा जो लेफ्ट साइड का फ्लाई है उससे 1 इंच प्लस करेंगे एंड 0.5 इंच हम और प्लस करेंगे। 1.5 इंच है, 3 इंच लेंगे उसमें 0.5 इंच प्लस करेंगे। मिड पॉइंट पे एक मार्क करेंगे, मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 0.5 इंच पर एक कनेक्ट करेंगे। डबल फ्लाई पैटर्न बन चुका है, इसे सेपरेट करेंगे। इसे वह बैक जाएंगे, बन चुका है ये। अभी हम रख के चेक करेंगे। देख सकते हैं आप, बट अभी सीम ऐड करेंगे हम अभी 0.4। नेक्स्ट अभी हम बैक का पॉकेट बनाएंगे। बैक का पॉकेट का विड्थ है 6 इंच और लंबाई है 7 इंच। रेक्टेंगल बनाएंगे हम। एक लाइन लेंगे, पैरेलल लाइन सेंटर में एंड साइड से हम 6 इंच लेंगे एंड अंदर की तरफ 0.5 इंच लेंगे जो कि हमने बैक में किया है। यहाँ भी 6 इंच लेंगे और अंदर की तरफ 0.5 इंच लेंगे हम। लाइन ड्रॉ करेंगे, बैक का पैटर्न बन चुका है। अभी इसे हम सेपरेट करेंगे एंड उसके बाद हम सीम ऐड करेंगे।
सी में ऐड हो चुका है। अभी हम वेश पट्टी का पैटर्न बनाएंगे, लंबाई रखेंगे 35 इंच, 1 इंच प्लस किया है, और विड्थ 1.5 इंच। रेक्टेंगल बन गया है। अभी हम 1.5 इंच आगे की तरफ रखेंगे फ्लाई का एक्स्ट्रा, एंड अनदर साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। नेक्स्ट अभी हम 8.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड इसके बाद नेक्स्ट 9 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 8.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसे हम सेपरेट करेंगे और सीम ऐड करेंगे। 1/2 इंच सीम ऐड करेंगे। एंड आगे की तरफ हम 3 इंच रखेंगे, यहाँ भी 3 इंच रखेंगे सीम। वेस्ट बैंड का पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम लूप का पैटर्न बनाएंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, लंबाई लेंगे 35 इंच और विड्थ लेंगे 1.5 इंच। मिनिमम में एक लूप 2 से 2.5 इंच का लगता है। लूप का पैटर्न क्रिएट हो गया, ऑल पैटर्न हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम नंबर ऑफ पार्ट्स नेम देंगे हर एक पार्ट्स को। सबसे पहले फ्रंट को देंगे, फ्रंट 2 कट रहेगा, एंड फ्रंट बैक पॉकेट ये भी 2 कट रहेगा। बैक पॉकेट 2 कट रहेगा। बैक ये भी 2 कट रहेगा। बैक योक
टू कट रहेगा, वेस्ट पट्टी ये भी टू कट में रहेगा, इनसाइड और आउटसाइड में। फ्लाई वन कट रहेगा ये लेफ्ट साइड में। एंड लूप वन कट रहेगा फ्रंट इनसाइड फेसिंग कट टू। एंड ये भी फ्रंट इनसाइड फेसिंग है, कट टू रहेगा। कॉइन पॉकेट कट वन रहेगा। ऑलमोस्ट सभी पैटर्न को हम कट दे चुके हैं, कितना कट रहेगा। दोस्तों सभी पैटर्न हमने स्टेप बाय स्टेप बना चुके हैं, हर एक पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।